हेलो। नॉर्मल पकोड़े तो आप सभी ने खाए होंगे। आज बनाते हैं हम ये टेस्टी टमाटर की भजिया। इसके लिए यहाँ बेसन ले लेंगे, ऊपर से नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हींग डालेंगे, हल्दी पाउडर, चावल का आटा डालेंगे और बेकिंग सोडा डाल के पानी मिलाएंगे और इसका एक पतला सा घोल रेडी कर लेंगे। बैटर जो है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अब इसको ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अब दूसरी तरफ एक जार ले लेंगे, इसमें धनिया डालेंगे, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, मूंगफली डालेंगे और इसको अभी हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, इसका जो पेस्ट है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, इनको राउंड शेप में हम कट करके रख लेंगे। ऊपर से स्टफिंग लगाएंगे और जो हमने घोल तैयार किया है इसमें अच्छे तरीके से डिप करेंगे और अच्छे गरम तेल में हमें इन सभी भजियाज को तल लेना है। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने 5 से 6 भजिया डाल दी हैं और ये देखिए कितना परफेक्ट अच्छे से फ्राई हुई हैं, क्या क्रिस्प बनी है। इसको कट करके देख लेते हैं। अंदर से देखिए कितनी ज़्यादा कलरफुल लग रही हैं, बहुत ही अच्छी लग रही हैं बनकर। अगर ये रेसिपी आपको भी अच्छी लगी हो तो इसको आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें।